वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ओ माय गॉड, ये मेरे प्लांट को क्या हो रहा है। दोस्तों, ऐसा करके लोग अब सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे डाल रहे होंगे, तो कितनी मेहनत से प्लांट लाते हैं और ऐसा कुछ होता है तो दुख तो होता ही है दोस्तों। तो बट ये इस सीज़न में होता है, यानी विंटर में, तो ये बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों। ये सीजनल इफ़ेक्ट है, सभी पत्ते जड़ जाएंगे, इसे हाथ लगाते ही ये निकल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा उसको प्लांट को मदद करने के लिए आप प्लांट का डिफोलिएशन भी कर सकते हैं। मैंने किया नहीं था, तो अपने आप ही दोस्तों ये जड़ देगा प्लांट, क्योंकि अब विंटर में ये न्यूट्रिशन भी नहीं ले सकता। तो जो कुछ भी स्टोर किया है इस टाइम के अंदर, उसी पे रहना है जब तक ये ठंड है, इसलिए ये पत्ते भी निकाल देता है दोस्तों। ये पत्तों से भी ये प्रेशर घट जाए, जिससे स्टेम से कम पानी जाए, जिसकी वजह से ये पूरे विंटर में या सर्दियों में ये सर्वाइव कर पाए। तो ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ मेंढक वगैरह भी ये काम करते हैं, कुछ मछली भी इस तरह से डोरमेट में चले जाती है दोस्तों, मिट्टी के नीचे घंस जाते हैं। और जब भी टेम्परेचर अनुकूल होता है या वेदर अच्छा होता है तब वो निकलते हैं, तब तक वो ऐसे ही पड़े रहेंगे आंखें बंद करके, खाना पीना सब बंद रहता है, एक कवर सा बन जाएगा, वो सूख जाएगा, उसे तोड़ के वो बाहर निकलते हैं। उसी तरह ये प्लांट भी हमारे चले जाते हैं शीत निंद्रा में, यानी डोरमेट कंडीशन में। तो इस वक्त ये कुछ नहीं करते, ये सीड से ग्रो हुआ है और उसको मैंने ग्राफ्टिंग भी कर दिया है 2 साल पहले। तो इसमें बहुत ही कम ग्रोथ होता है दोस्तों, 1 साल में एक ही बार इतना ग्रोथ हुआ है, और मैंने उसको पींच किया था तो कुछ यहाँ थोड़ा सा ग्रोथ होके ये रुक गया है। तो अब ये फ्लावरिंग की भी सीज़न है इस प्लांट की, तो डोरमेंसी के बाद ये प्लांट जब जागता है तो फ्लावरिंग भी होती है, और फ्लावरिंग नहीं होगी तो वो थोड़ा देर से जागेगा और स्प्राउटिंग होगी। तो ये है बोबाक सेबिया, उसके अंदर कांटे भी होते हैं दोस्तों। तो इस सीज़न में अगर पत्ते गिर जाते हैं, कोई ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। केवल उसको नॉर्मल प्लांट की तरह वाटरिंग करते रहे, जब भी लगे कि यहाँ वाटरिंग की ज़रूरत है, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा। तो पानी कम से कम देना होता है, बाओबाब वगैरह में भी उसको जिंदा तो रखना ही है, एकदम से पानी बंद ना कर दे। हफ्ते में एक बार या 15 दिनों में एक बार आप पानी दे सकते हैं, अगर बिल्कुल भी पानी घट जाएगा तो ये डिहाइड्रेट होके जा भी सकता है। तो चलिए, ये थी आज की स्पेशल टिप्स। अगर पत्ते इस तरह पीले पड़ के गिर रहे हैं तो कोई पैनिक ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।